पालागु कर जो नमस्कार फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू टू पे माय हम्बल ट्रिब्यूट टू द लेजेंड ऑफ लेजेंड्स हु लेफ्ट अस ऑल यस्टरडे फेब्रुवरी 6, 2022. एंड यस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिनको हम सभी प्यार से लता दीदी के नाम से पुकारते हैं. यू नो द इम्पैक्ट दैट शी इज हैड ऑन ऑल ऑफ आवर लाइव्स इज अमेजिंग, इजंट इट. बचपन में जब हम लोग संगीत या कोई भी गाना सुनते थे तो सबसे पहले रेडियो हो या टेप रिकॉर्डर हो तो आवाज किसकी आती थी? लता जी की, है ना. और कई लोगों की जिंदगियों में उन्होंने संगीत के लिए रस पैदा किया, रुचि पैदा की. शी इंस्टिल्ड दैट इंटरेस्ट इन म्यूजिक अमंग सो मेनी पीपल्स लाइव्स विच कंटिन्यूज टू इंस्पायर एवरी वन ऑफ अस टू कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, है ना. अच्छा संगीत सुनने की प्रेरणा हमें उनसे मिली. सो आज मेरी ये कोशिश है कि आई वुड लव टू प्रेजेंट सम स्निपेट्स ऑफ हर सॉन्ग्स विच शी हैज संग in different modes, starting right from classical based film songs to romantic to khair hai hi, uske alawa philosophical gaane, dukh bhare gaane, desh bhakti ke gaane, hindi aur marathi mein jo unke gaane lokpriya hain वो, तो ये सभी जो हैं, हर प्रकार के जो गीत हैं उनकी छोटी छोटी झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करने की मेरी ये बहुत ही छोटी कोशिश है. देखिए, लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना या उनके बारे में कुछ कहना, इट इज लाइक शोइंग लाइट टू द सन, इजंट इट. सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है. मगर फिर भी ये करने से हम सबको, यानी कि मुझे और मेरे माध्यम से आप सबको प्रेरणा मिले, यही इसके पीछे का उद्देश्य है. सो बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हर एक्सप्लॉइट्स इन फिल्म इंडस्ट्री बोथ इन हिंदी एंड मराठी, I would love to present for all of you a classical composition in Raag Malkaus. Yes, believe it or not, she has sung a bada khayal,
जी हाँ, उन्होंने बड़ा ख्याल गाया हुआ है राग मालकंस में, द मोस्ट पॉपुलर बड़ा ख्याल ऑफ राग मालकंस ट्रेडिशनली इन मोस्ट ऑफ द घरानास, विच इज पीर न जानी रे बलमा। शी हैज संग दिस इन विलंबित एकताल, यू नो, एंड इट सीम्स लाइक इट वॉज अ लाइव परफॉर्मेंस दैट शी डिड इन 1950, एंड शी इज अकंपनीड बाय तबला ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो बाय सारंगी दैट यू विल हियर इन द बैकग्राउंड। इट्स रियली अमेजिंग, एंड यू नो शी हैज संग इन ऑलमोस्ट लाइक मेल स्केल, इतना उन्होंने ऊंचा गाया है, एंड दैट इन इटसेल्फ वाज अ रेवोल्यूशन एट दैट टाइम, इजंट इट, बिकॉज तब तक फीमेल सिंगर्स जो थी वो काफी लो स्केल में गाती थी, बट शी वॉज द वन हु रियली ब्रॉट इन दैट न्यू ट्रेंड, यू नो, अ रियल ट्रेंड सेटर। और फिर तभी एवरीबडी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज दैट योर वॉइस कुड प्रेजेंट, है ना। सो आई थिंक दैट वॉज टू बिगिन विद her huge contribution when she came into the limelight. So here we go, Raag Malkaon's Bada Khyal sung by Lata ji. It's a 9-minute long clip, but I would just probably play first 2 to 3 minutes and then I'll leave the rest for all of you to enjoy on YouTube. So here we go. Music. Music. Window. Play. Siri. Button. Ha. Increase system volume. Increase volume. Increase. Bye.
Play. Zoom. So this was the classical composition that I was trying to play for you. It's an old recording, obviously, as you can hear. Some slight glitches here and there, but just, you know, her range, right? Such a high pitch singing at that time, which was really unheard of. बहुत ही नई चीज थी तब ये. एंड ऑफकोर्स देन लेटर ऑन हर ओन यंगर सिस्टर आशा जी पिक्ड इट अप एंड देन यू नो ऑल द अदर सिंगर्स हु केम आफ्टर दैट यू नो दे रियली कंटिन्यूड ऑन द सेम ट्रेंड बट लता जी वॉज द रियल ट्रेंड सेटर इज़न्ट इट. सो या तो ये तो हमने सुना उनका क्लासिकल. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्लासिकल बेस्ड मूवी सॉन्ग दैट शी सैंग. ऑफकोर्स शी सैंग मेनी मेनी ऑफ देम बट लाइक आई सेड वील जस्ट बी प्रेजेंटिंग स्निपेट्स फॉर यू छोटी छोटी झलकियाँ राइट. सो द वन दैट आई हैव चोजन फॉर टुडे इज फ्रॉम द मूवी अनुराधा बेस्ड ऑन राग भैरवी composed by Pandit Ravishankar ji and written by Shailendra sahab. So this is Samvare Samvare, right? So I'll just sing from the antara. Sang na saheli paay ke akeli, संग न सहेली पाए के अकेली, अब न जाते मोरे शाम, रोको न डगर मोरी हाँ. सांवरे सांवरे जाओ सांवरे सांवरे, काहे मुसे करो जोरा जोरी, भैया ना मरोड़ो मोरी, दूंगी दूंगी गारी हटो जाओ जी सांवरे सांवरे जाओ सांवरे. सो ये क्लासिकल बेस जो उनका गाना था. सो एंड देन क्लासिकल बेस के बाद कमिंग टू प्रॉब्ली द मूड दैट शी एंड मोस्ट ऑफ द सिंगर्स हैव संग द मोस्ट दैट इज रोमांटिक सॉन्ग्स. मगर उसमें भी अलग अलग रोमांटिक गाने उनके, यानी कि एक गाने में डेस्परेशन लॉन्गिंग टू मीट विद द डियर वन, दूसरे गाने में शिकायत, है ना, ऐसे अलग अलग मूड्स के भी रोमांटिक गाने उन्होंने गाए हैं राइट. सो जैसे जो डेस्परेशन जो है वो दिखाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स इज फ्रॉम द मूवी मधुमती, और वो गाना ही है. मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार, आ जा रे परदेसी. अब देखिए ये लाइन इतनी जबरदस्त है कि मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी, भेद ये गहरा बात जरा सी, बिन तेरे हर सांस उदासी, ओ आजा रे. राग बागेश्री पर आधारित ये गाना, देखिए कितना इसमें कितनी गहराई है. एंड देन शिकायत जो है कि क्यों आप मेरे से इस तरह से मतलब ठठोरी कर रहे हैं, एंड यू नो द काइंड ऑफ मिस्चिफ दैट द डियर वन इज ट्राइंग टू प्ले. सो उसको बताने के लिए बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसेरा, बैया ना धरो ओ बलमा,
में ये जो अंतरा है इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है। मोहे छोड़ो भाई सजना, मोहे छोड़ो भाई, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो सजना, मोहे छोड़ो भाई सजना, दिया शीश उठाए सजना, दिया शीश उठाए, उठाए सजना, दिया शीश उठाए सजना, रहा मोहे निहार। देखिए ये शिकायत का इसमें मूड हुआ है ना, और क्या क्या, यू नो इट इज सो डिफिकल्ट टू इवन लाइक थिंक कि भाई कितने इतने अलग अलग तरीके के उन्होंने गाने गाए हैं। नाउ अ वेरी लाइवली सॉन्ग कि जिसमें इट्स अ वेरी पॉजिटिव सॉन्ग कि जिसमें वो कह रही हैं कि उड़ान भरो, यू नो लेट्स लेट्स फ्लाई विद द विंग्स of hope, you know, and let's be absolutely completely rid of all inhibitions, you know, and let's break all barriers. Is tarah ka is agle gaane mein bhav hai from the movie Guide, based on Raag Bhairavi again. कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, ओ कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, ओ रोको ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, यू नो सो दैट्स अ काइंड ऑफ सॉन्ग राइट। सो तो ये एक तरह का गाना हुआ। एंड द पेन ऑफ वंस माइंड राइट, कि मैं अपने मन की पीर कहूं कैसे राइट। सो वो भाव दर्शाने के लिए अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हर्ड व्हेन वी डिड आजारे परदेसी, कि जहां पे वो इंतजार कर रही हैं, मगर यहां पे मन की जो पीड़ा है, द पेन दैट दैट इज बीइंग कॉज्ड टू हर माइंड, वो दिखाने के लिए ये मदन मोहन साहब ने जो कंपोज किया है, वो जो गाना है जो लता जी ने गाया है, मायरी मैं कासे कहूं आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बार, बैया की छैया के। तो ये इस तरह का ये जो फील है इस गाने का है ना, इट्स जस्ट सो अमेजिंग कि वो पूरा वो दर्द जो है, दुख ये मिलन काले के काह करूं कहां जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बाबरे, पाकर भी नहीं
मैं पाती मायरी मायरी। तो ये एक एंड देन भक्ति गीत भी उन्होंने गाए हैं। मेरा भजन तो उनके इतने फेमस हैं, आई गेट द फीलिंग दैट यू नो देयर इज अ एल्बम दैट शी केम अप विथ, आई थिंक इट वाज द लेट 60s, कॉल्ड चला वाही देज, इन विच शी सैंग ऑल मीरा भजन, देयर अबाउट 18 ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू मी शी जस्ट साउंड सो डिवाइन इन दोज भजन्स, यू नो। तो वो तो हैं ही, मगर तो मुझे याद है बचपन में रेडियो में एक गाना आया करता था, एंड देट वॉज, क्योंकि तब तक रेडियो में यू नो यू सो यूज टू लिसनिंग टू मूवी सॉन्ग्स, मगर ये जो एक गाना था भक्ति गीत था, लता जी का गाया हुआ, सूरदास जी का भजन है, एंड इट काइंड ऑफ स्टक इन माई हेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इवन नाउ आई रिमेंबर कि सुबह सुबह वो विविध भारती पे कार्यक्रम आता था वंदन वार, तो उसमें ये गाना इतनी बार बजता था भक्ति गीत। निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे। तो ये बहुत ही एक दिल को छू जाने वाला ये भक्ति गीत जो उन्होंने गाया था। और ऐसे भी उन्होंने गाने गाए हैं कि जो बहुत ही फिलोसॉफिकल है ना, बट वेरी पॉजिटिव दो, यानी कि जिसमें, जैसे ये एक गाना है ममता मूवी का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भले हम रहें या ना रहें, मगर फिर भी हमारी महक जो है वो आपको कली में दिखेगी, हवा में दिखेगी या बागों में दिखेगी। और वो लता जी के लिए कितना अप्रोप्रिएट गाना है, सच एन अप्रोप्रिएट सॉन्ग, दैट इवन इफ आई मे बी देयर, आई मे नॉट बी देयर, बट माय फ्रेग्रेंस विल ऑलवेज बी देयर। और कौन सा गाना है ये, राग पहाड़ी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। Isn't it so true with her and with her songs, right? So, तो ये एक गाना। उसी तरह का एक और गाना जो कि बहुत ही पॉपुलर है, पंचमदा का कंपोज किया हुआ, I'll sing from the antara, from the stanza. वक्त के सितम कम हसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। मिल गए कहीं मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ, ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।
अगर याद रहे, भूलने का तो सवाल ही नहीं है, है ना। तो वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि याद उनको किया जाता है जिनको हम भूलते हैं, जिनको हम भूलते ही नहीं उनको याद करने का सवाल ही क्या है, क्योंकि वो तो हमारे मन में जैसे रचे हैं, बसे हैं, है ना। सो या सो दैट्स फॉर इट इज, इज़न्ट इट। सो एंड ऑफ कोर्स कपल ऑफ हर मराठी सॉन्ग्स, मराठी में भी उन्होंने बहुत ही, सो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्होंने गाने गाए ही हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस जो मराठी में गाना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ फ्रॉम द मराठी मूवी उंबरठा, इट्स अ वेरी वेरी फेमस, सुनिया सुनिया सांद रात है, सुनिया सुनिया महफिल तमाजा। तो ये उनका बहुत ही फेमस एक जो गाना है मराठी मूवीज, हालांकि बहुत बहुत ज़्यादा उनके मराठी में तो इतने पॉपुलर उनके गाना हैं, खास करके मराठी भावगीत में जो है उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं। और एक जो भावगीत जो उनका बहुत ही फेमस है मराठी में, और इट्स सच अ हॉन्टिंग मेलोडी दैट सॉन्ग, इट वाज अपेरेंटली इंस्पायर्ड, द कंपोजिशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द गजल्स संग बाय द गजल लेजेंड मेहंदी हसन साहब। एंड The song that Lata ji sang in Marathi was Malun taak deep Chetun ang ang Rajasa kiti disa लाभ लानिमांत संग मालूं टाक दीप। तो ये इनफैक्ट मराठी शी इवन कंपोज्ड सॉन्ग्स विद द नेम आनंद घन, दैट वाज हर नेम in Marathi, with which she composed so many of songs. तो in fact उसमें एक गाना जो उन्होंने कंपोज किया था और जो उन्होंने ही गाया था, बाई बाई मन मोरा सा कसा पिसारा फुलला, बाई बाई मन मोरा सा कसा पिसारा फुलला, बाई बाई। तो ये इनका कंपोज किया हुआ, लता जी ने कंपोज किया है खुद और उन्होंने ही गाया है। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द मूवी बट या, सो सो हर नेम एज आई सेड इन मराठी मूवीज व्हेन शी कंपोज वाज आनंद घन, राइट। सो तो ऐसे कितने कितने गाने हैं, यू नो नो टाइम विल बी इनफ टू पे ट्रिब्यूट टू दिस लेजेंडरी सिंगर। एंड नाउ आई कम टू द लास्ट टू सॉन्ग्स। एक तो जो देशभक्ति का गीत जो है जो उन्होंने अमर कर दिया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट। ए मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो कुर्बानी। समथिंग दैट गॉट टीयर्स
to even Pandit Nehruji when he heard this song in 1962. And in fact, there is one song that I would love to mention. I mentioned about philosophical songs earlier. This one is such a legendary song. उसके बारे में अगर जिक्र नहीं करेंगे philosophical गानों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से it will be injustice. And the song is from the movie Anarkali. धड़क रहा है दिल तो क्या दिल की धड़कने न गिन फिर कहाँ ये फुर्सतें फिर कहाँ ये रात दिन आ रही है ये सदा आ रही है ये सदा मस्तियों में डूब जा ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही खो गया ये जिंदगी उसी की है ओ So one very important genre that we missed. So, देखिए ऐसे ही होता है कि इतने सारे गाने होते हैं तो then suddenly you remember, oops, ये नहीं गाया या वो नहीं गाया. And in fact, I'm sure even now when we end this program, that's the feeling that we'll be ending the program with. But anyway, ग़ज़ल, उसके बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं की. मगर इतनी सारी ग़ज़लें लता जी ने गाई हैं फिल्मों में भी और नॉन फिल्म में भी. तो this ग़ज़ल from the movie अदालत. Such an amazing song. Again, a composition by Madan Mohan Saab. Unko ye shikayat hai ke hum kuch nahi kehte, kuch nahi kehte. Apni to ye aadat hai ke कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते उनको ये शिकायत है बेस्ड ऑन द राग मालगुन जी तो ये सारे जो उनके गाने हैं दे आर ऑल राग बेस्ड है कि नहीं किसी ना किसी राग पर आधारित हैं आई डिडंट मेंशन द नेम्स ऑफ ऑल द राग्स on which the songs that I sang for, but sare invariably you'll find that most of them are based on some raga or the other. You know, to ye itni khubsurat ghazal unhone gayi hai. To in fact, Madan Mohan ji ke saath, as you all know, she has sung such amazing ghazals. You know, ek the other one that comes to my mind is. Aaj socha to aansu bhara भराए मुद्दतें हो गई मुद्दतें हो गई मुस्कुराए आज सोचा तुम्हारा भराए एंड ऑफ कोर्स रस्में उल तो निभाए कैसे हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे रस्म को निभाए कितने सारे माय गॉड आई एम प्रीटी श्योर जब मैं कहूँगा कि अरे अब हम अंत करते हैं आई एम प्रीटी श्योर इवन देन आई प्रॉब्ली रिमेंबर अ फ्यू मोर सॉन्ग्स इतना ज़बरदस्त ओ एंड ऑफ कोर्स लोरी यू नो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लोरीज ललबाइज एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड ऑन राग पीलू
And of course, Rasmi Ulfa that I sang was based on Rag Madhuvanti. This lori is in Rag Pilu. Such an amazing lori. धीरे से आ जा री अखियन में निंदिया आ जा धीरे से आ जा छुप छुप के नैनन की बगियन में निंदिया आ जा धीरे से आ जा। तो जिस तरह से उन्होंने इसको गाया है, who will not sleep listening to this melodious singing by Lata ji, isn't it? तो now we come to the end of the program for sure. And I think, like I said, there's no end to this really. But there is this Marathi composition that she has sung of Sant Jnaneshwar ji. It is called the Pasayadan, like the divine blessing that the poet is asking from the Lord for everybody's welfare and happiness. And the poet says that may there be peace in the world, and may the sun of righteousness shine in the entire universe, and may everybody get whatever they desire. तो ये पसायदान जो है राग भैरवी पर आधारित, इससे हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. I'll just sing the first stanza of this. आता विश्वात्म के देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज्द्यावे पसायदा जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र So let's all bow down to this goddess of Saraswati, legend of legends, Lata Mangeshkar ji, and let's seek her blessings and the blessings from the Lord Almighty, that may we always feel inspired by her songs, and may her songs be an inspiration for us to continue any journey that we take up, not just musical journey, but any journey in our lives that we take up. May her songs continue to be an inspiration as they have been until now.
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई होप यू रियली एन्जॉय दिस प्रेजेंटेशन. एंड लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वेरी हम्बल एफर्ट. नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब लता जीज ग्रेटनेस, बट इट इज जस्ट अ हम्बल एफर्ट. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू फॉरगिव फॉर एनी फ्लॉज और एरर्स इन माई प्रेजेंटेशन. अंटिल देन स्टे सेफ, हैप्पी लिसनिंग एंड नमस्कार.